एवरीवन, तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 13, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि दो कुंडलियों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो कुंडलियों में हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है मैं बताऊंगा। और एक इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक घरेलू विद्युत परिपथ, मतलब हमारे घरों तक विद्युत धारा किस प्रकार, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है, और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत परिपथ को किस प्रकार बनाया जाता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, ये वाला टॉपिक हमारा दो कुंडलियों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये मैं बता चुका हूं कि जब एक कुंडली हम लेते हैं और एक दूसरी कुंडली को लेते हैं, ये ऐसी कुंडली है जिसमें कोई विद्युत धारा नहीं है। इसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र जो किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। अब ये कुंडली है, हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें करंट को प्रवाहित कर दिया, विद्युत धारा को प्रवाहित किया। जब इसमें से विद्युत धारा जाएगी तो ये कुंडली, ये तो प्रणालिका की तरह कार्य करेगी, तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एक कुंडली छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। अब जब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो इस कुंडली को जब हम आगे पीछे मूव करेंगे, तो इस कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब इसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इसमें क्या बताने वाला हूं, इसमें ये बताने वाला हूं कि जब हम स्विच, इसका जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ऑन करते ही एकदम से इस कुंडली का गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। जैसे ही ऑन किया, तब ऑन करके जब इसमें करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, देखो इसको हिलाया नहीं अभी, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुंडली या चुंबक दोनों में से किसी एक को मूव करना जरूरी होता है, मतलब चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। बट इसमें देखो किसी को भी मूव नहीं किया गया है, फिर भी इसने डिफ्लेक्शन शो किया। कैसे? जैसे ही इसको ऑन किया, तुरंत एकदम इसने डिफ्लेक्शन दिखाया। अब ऑन करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये डिफ्लेक्टेड ही रहेगा, नहीं, ये दोबारा से जीरो वाली पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? जैसे इसमें करंट प्रवाहित होना शुरू होता है, जब इसमें विद्युत धारा यूनिफॉर्म हो जाएगी, मतलब या जो चुंबकीय क्षेत्र होगा जो यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इसमें करंट ऑन है लेकिन इसमें कोई विद्युत धारा नहीं है। अब जैसे इसको ऑफ करेंगे, हमने बटन ऑफ कर दिया, तो जैसे ही ऑफ होगा तो फिर इसका गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा। देखो मूव नहीं किए हैं, कोई भी कुंडली को हमने मूव नहीं किया, लेकिन फिर भी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई है सिर्फ ऑफ करने से। एक बार ऑन करने से हुई थी, एक बार ऑफ करने से। वो क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र एकदम उत्पन्न होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र एकदम उत्पन्न हो जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित ही हुआ, पहले कम फिर एकदम ज्यादा। जब वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, फिर ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उसके बाद जब ऑफ करेंगे, ऑफ में भी ऐसा ही है, पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा था, जब ऑफ किया तो एकदम कम होगा, तो परिवर्तित होगा, तो फिर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब ऑन और ऑफ करने से, एक कुंडली में विद्युत धारा को ऑन या ऑफ करने से हम दूसरी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। पहले जो मैंने बताया था उसमें ये बताया था कि जब इस कुंडली को मूव करेंगे तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये मैं बता चुका था, लेकिन अब हमने ये पढ़ लिया कि इसमें जब विद्युत धारा ऑन और ऑफ होगी, बार बार बटन ऑन किया, ऑफ किया, और ऑन किया, ऑफ किया, तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब ऑन ऑफ करने से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब जैसे ही ऑन करते हैं तो इसमें विद्युत धारा की दिशा मान लो ये है, ये ऐसे, तो जैसे ही ऑफ करेंगे तो विद्युत धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे ही, जैसे हमने इस प्रणालिका के अंदर एक छड़ चुंबक को डाला तो इसने एक साइड डिफ्लेक्शन शो किया, जैसे ही बाहर निकाला तो दूसरी साइड शो किया, बात वैसे ही होती है लगभग। अब अगर हम इस कुंडली में कोई ऐसी विद्युत धारा को प्रवाहित करवाएं जिसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती है, बार बार परिवर्तित होती है, अब दिशा परिवर्तित होने से यह समझ लेना कि इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र भी बार बार परिवर्तित होगा। तो अगर हम इसमें कोई ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित कर दें कि जिसका मैग्नीट्यूड और दिशा, देखो जो एसी होती है, एसी अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है,
ये ऐसी विद्युत धारा है जिसकी दिशा भी और मैग्नीट्यूड भी लगातार परिवर्तित होता रहता है। अब जैसे ही हमने इसमें एसी को भेजा, एसी प्रत्यावर्ती धारा जैसे ही इस कुंडली में प्रवाहित होगी, अब उसकी दिशा तो लगातार परिवर्तित हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो उसका मान है वो भी लगातार बदल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी तो लगातार बदलता रहेगा। तो सिर्फ देखो कुंडली स्थिर है दोनों, इसमें हमने सिर्फ डीसी की बजाय प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिंग करंट को भेज दिया, तो हालांकि मूव नहीं किया गया फिर भी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। बात याद रहेगी, सिर्फ एसी को भेजा हमने, वो एसी अपने आप एक ऐसी विद्युत धारा है जिसके दिशा और मान लगातार घटता बढ़ता है, तो उसके घटने बढ़ने से इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र अपने आप परिवर्तित होता रहेगा, तो इसमें कॉन्स्टेंट सप्लाई हो जाएगी, मतलब लगातार एक विद्युत धारा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है भाई। और वो जो पैदा होगी वो भी एसी ही होगी जिसकी दिशा लगातार परिवर्तित होगी। अब इस कुंडली में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो किस पे निर्भर करती है, एक तो इस कुंडली के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है, और इस कुंडली के आसपास चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि इसमें विभवांतर कितना है। विभवांतर मतलब अधिक होगा तो इसमें विद्युत धारा भी अधिक होगी। होम्स के लॉ में हमने पढ़ लिया कि वी समानुपाती होता है आई के, अगर विभवांतर इसमें अधिक होगा तो विद्युत धारा अधिक होगी, विद्युत धारा अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, मतलब इसका भी विभवांतर अधिक होगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र इसमें अधिक होगा तो इसमें विद्युत धारा अधिक होगी, विद्युत धारा अधिक होगी तो इसका भी विभवांतर अधिक होगा, तो इसके भी विभवांतर पे इसका भी विभवांतर निर्भर करता है, ठीक है। मान लो इसका इसको पे बोला जाता है पहली कुंडली प्राइमरी, और इसको बोला जाता है भाई दूसरी कुंडली सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी कॉइल, इसको प्राइमरी कॉइल ये सेकेंडरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल है देखो फर्स्ट, मान लो इसका विभवांतर है, वैसे तो कोई दूसरी चीज होती है लेकिन वो 10वीं क्लास में अभी तक लागू नहीं हुई है, वैसे तो भाई वो देखो वो विभवांतर नहीं होता, वो होता है ईएमएफ, ईएमएफ वो ईएमएफ क्या है वो बड़ी क्लास में पढ़ोगे, वैसे मतलब थोड़ा सा समझ लो बस कि अगर इसका विभवांतर अधिक है तो इसका भी विभवांतर अधिक होगा, क्योंकि इसमें विभवांतर बढ़ने से इसकी विद्युत धारा बढ़ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने से इसमें विद्युत धारा बढ़ जाएगी तो इसका भी विभवांतर बढ़ जाएगा। मान लो इसका विभवांतर V1 है और इसका विभवांतर है V2, ठीक है। एक और बात, जब इसमें कुंडलियों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, इसमें कुंडलियों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें कुंडलियों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसमें विद्युत धारा बढ़ जाएगी भाई, तो इसके आसपास इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान इसमें कुंडलियों की संख्या पे निर्भर करता है। तो अगर हम कहें कि भाई V2 मतलब इसका विभवांतर बटे V1 तो किस पे निर्भर करता है, इसमें कुंडलियों की संख्या मतलब N2 बटे N1, ठीक है। अब देखो अगर हमें ये पता हो कि हमने इसमें कितनी विद्युत धारा डाली है तो इसमें विद्युत धारा का कितने विभवांतर की विद्युत धारा है, तो हम इस विद्युत धारा के विभवांतर को कम या ज्यादा कर सकते हैं अगले वाले इस कॉइल में। जैसे मान लो आपके पास इसमें विद्युत धारा का विभवांतर है 110 वोल्ट है, अब यहाँ पे आपको करना कितना 220 वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन कुंडलियों की संख्या को घटा बढ़ा के क्या करेंगे, इसको बढ़ाना है ना, तो V2 हमें लाना कितना 220 वोल्ट करना है, ये इतना लेके आना है हमने, और ये पहले का हमें पता है कितना 110 वोल्ट। तो हम कुंडलियों की संख्या को N2 और N1 की संख्या इस प्रकार निर्धारित करेंगे कि 110 वोल्ट को 220 वोल्ट किया जा सके, मतलब क्या होगा, इसको काट दो, दो मतलब क्या N1 दो N1 बराबर N2 मतलब क्या है, देखो N2 कुंडली में, N2 मतलब इस कुंडली में कुंडलियों की संख्या, मतलब इस प्रणाली में कुंडलियों की संख्या N2 होती है, इसका डबल होगी N1 के, मतलब क्या, अगर यहाँ भी विभवांतर 110 वोल्ट है और उसको हमने 220 वोल्ट करना है, तो इस कुंडली में जितनी संख्या है ना, इस कुंडली में जितनी संख्या है उस कुंडली इससे डबल यहाँ पे कुंडलियों की संख्या कर दो आप, तो यहाँ जितना भी विभवांतर था इसका दो गुना विभवांतर यहाँ पर हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है भाई। ये हो गया, ये देखो ये मैंने आपको बताया इसलिए है
क्योंकि इस युक्ति का प्रयोग हम विभवांतर को कम या ज्यादा वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में करते हैं इस चीज का प्रयोग। और ये दोनों कुंडलियों का प्रयोग किस चीज में लगे होते हैं, ये एक चीज एक यंत्र है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर लगे जो होते हैं ना, आप भी नहीं देखा होगा, तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी चीज है जो वोल्टेज को घटा या बढ़ा देगा। तो उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या चीज होती है, उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये कुंडलियां होती है। उसमें क्या होता है, जैसे एक कॉइल सी होती है, इस प्रकार से कॉइल होती है, यहाँ कुंडली लिपटी होगी इसके ऊपर इस प्रकार से, और यहाँ कुंडली लिपटी होती है उसके ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ कुंडलियों की संख्या कितनी है, यहाँ कितनी है, वो उससे हम इधर से आने वाले वोल्टेज को इधर से जाने वाली वोल्टेज में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब इधर से अगर कम आई तो इसको इधर ज्यादा कर सकते हैं, इधर ज्यादा है तो इधर कम कर सकते हैं। तो जो ज्यादा करने वाला ट्रांसफॉर्मर होता है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, और डाउन करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर स्टेप अप करना है, ज्यादा करना है, तो इसमें कुंडलियों की संख्या हम बढ़ा देंगे, यहाँ कम करते हैं कुंडलियों की संख्या, यहाँ बढ़ा देंगे, तो ये अपने आप इस साइड की वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा देगा। और यहाँ पे अगर वोल्टेज ज्यादा, हमारे यहाँ पे 440 वोल्ट है और हमें यहाँ करना 220 वोल्ट, तो यहाँ जो कुंडलियों की संख्या है ना, तो यहाँ कुंडलियों की संख्या हम कम कर देंगे। कैसे, मतलब कुंडलियों की संख्या को ऐसे दूर दूर कर देंगे, दो तीन बस, तो यहाँ ज्यादा है या कम है तो ये वोल्टेज घट जाएगी, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मर, ये ऐसी चीज लगी होती है इसमें ट्रांसफॉर्मर में, ये बात याद रखना। अब हम पढ़ते हैं घरेलू विद्युत परिपथ, क्या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं भाई घरेलू विद्युत परिपथ। देखो, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जो विद्युत धारा जनित्र होता है, जो विद्युत को पैदा करता है, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर वाले वीडियो में कि जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हमें एक जनित्र जो होता है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन उस जनित्र को हमें घुमाना पड़ता है। अब उसको घुमाने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप उसको भाप द्वारा टरबाइन को घुमाएंगे, फिर उसको जनित्र से जोड़ देंगे, जनित्र घूम जाएगा, या फिर हम बांध बना के ऊपर से पानी गिरा देंगे तो तब भी जनित्र घूम सकता है। मतलब किसी भी तरीके से जहाँ भी विद्युत उत्पन्न हो रही है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, जहाँ बांध बना के ऊपर से पानी गिरा जाता है, वहां पे जो विद्युत उत्पन्न होती है, जैसे वहां पे विद्युत जनित्र होता है, देखो ये विद्युत जनित्र वहां पे विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ये विद्युत धारा यहाँ से आई, इसको भेजा जाता है किसमें, ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि हमें पता है कि भाई देखो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो विद्युत धारा के विभवांतर को बढ़ाता है या फिर घटाता है। तो हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया, हमने ये ट्रांसफॉर्मर इसलिए लगाया है ताकि उसके विभवांतर को हम बढ़ा सके, क्योंकि मिलो दूर उसको लेके जाना है विद्युत धारा को, इसलिए इसका विभवांतर हम बढ़ा देंगे। ये उसी प्रकार है, जैसे मान लो आपके एरिया में पानी की सप्लाई करनी है, तो पहले पानी को एक बड़ी सी ऊंची टंकी में चढ़ाया जाएगा मोटर के द्वारा, ताकि वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाए तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए और वो सारे एरियाज में अलग अलग आसानी से पहुंच जाए, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसलिए यहाँ जो जनित्र विद्युत धारा पैदा करता है, उस विद्युत धारा का विभवांतर उसको बढ़ाया जाता है किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो यहाँ मान लो 100 वोल्ट की बिजली पैदा हुई, तो इसको 1000 वोल्ट की बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके द्वारा, इस ट्रांसफार्मर द्वारा। इस ट्रांसफार्मर से फिर दो तारों से विद्युत धारा पहुंचती है, देखो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं ना, उन पोल के द्वारा फिर छोटे छोटे जो बिजली घर होते हैं हमारे आसपास वहां पहुंचाया जाता है, ये पावर हाउस। यहाँ पे दूसरा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो उस वोल्टेज को, जैसे आई थी क्या 1000 वोल्टेज की लाइट आई थी, अब यहाँ पे जितने वोल्ट की लाइट पहुंचती है हो सकता है ये बहुत ज्यादा लाइट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उस इसको उतने भी विभवांतर में बदलना पड़ेगा जितने हमारे घरों में पहुंचती है। और हमारे घरों में पहुंचने वाली लाइट कितनी होती है, लगभग 220 वोल्ट की होती है, तो 220 वोल्ट करने के लिए यहाँ पे दूसरा ट्रांसफार्मर लगा देंगे। अब ये लाइट हो गई है 220 वोल्ट की, फिर इसको इलेक्ट्रिक पोल जो खंभे लगे होते हैं ना हमारे आसपास के एरिया में, उनके द्वारा पहुंचाया जाता है हमारे घर में, ठीक है। अब हमारे घर में पहुंच गई इलेक्ट्रिसिटी, घर में पहुंच गई, हमारे घर में जो लाइट आती है या बिजली आती है उसमें क्या होते हैं, दो तार होते हैं, ये दो तार, इनमें एक में करंट होता है, विद्युत धारा होती है, दूसरा जो होता है वो उदासीन होता है। जो करंट वाला तार होता है उसको बोला जाता है विद्युन्मय तार, करंट वायर कह सकते हो या विद्युन्मय तार,
विद्युन्मय तार और दूसरा जो होता है ये होता है उदासीन तार। ठीक है, देखो इनमें से एक तार जो होता है इसका भी विभवांतर होता है बहुत अधिक, 220 वोल्ट समझ लो एक तार पर, और दूसरे का होता है जीरो, तभी तो एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा। जहां एक चीज ज्यादा है तब वो दूसरी साइड तभी तो जाएगी जब वहां पे कमी होगी, समझ गए। तो इसलिए एक तार का विभवांतर होता है 220 वोल्ट और दूसरे का होता है जीरो, ताकि ये उस आवेश को प्रवाहित करवाए, इस तार में से होता हुआ इस उदासीन तार में ले जाए। तो 220 वोल्ट की लाइट घर में आई, उसके बाद जब हमारे घर पे पहुंचती है तो बिजली बोर्ड क्या करता है वहां पे एक मुख्य फ्यूज लगा देता है, मेन फ्यूज लगाता है वो, कि ये फ्यूज की इसका मान लगभग होता है 50 एम्पियर। मतलब क्या, अगर 50 एम्पियर तक का करंट इसमें आ जाएगा तो फ्यूज नहीं टूटता। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक ऐसी युक्ति होती है भाई, एक ऐसे तार का बना हुआ है, जैसे ये दो वायर है ना, इनके बीच में एक ऐसा तार जोड़ देंगे, ये तार ही होता है। और ये तार किससे बना होता है, ये एक ऐसी मिश्र धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम होता है, इससे इनसे कम होता है। अगर इनमें विद्युत धारा का मान 50 एम्पीयर से ज्यादा हो जाएगा तो यह गर्म होकर पिघल जाएगा, क्योंकि वो इसका तो गलनांक कम है और ये बीच से टूट जाएगा। ये कब हुआ, जब इसमें विद्युत धारा का मान 50 एम्पीयर से ज्यादा आ गया, तो इतनी ज्यादा लाइट अभी नहीं चाहिए थी, इसलिए फिर अगर टूट जाएगा तो हमारे घरों में लाइट नहीं पहुंचेगी। उसके बाद देखो इसमें आगे भी ये वायर आगे हमारे घरों के मीटर में पहुंच गया, जो हमारे घर में मीटर लगा होता है, जो ये बताता है कि हमने कितनी विद्युत धारा या कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च की है, मीटर किलो वाट आवर में बताता है। उसके बाद मीटर के बाद हमारे घर में लगा होता है एक सप्लाई बोर्ड, जो जहाँ MCB वगैरह लगी होती है, जो अलग अलग रूम की होती है, उसको बोलते हैं सप्लाई बोर्ड। सप्लाई बोर्ड से आगे एक फ्यूज लगा होता है, ठीक है, ये तो होता भी मेन फ्यूज जो बिजली बोर्ड वाले ही लगाते हैं, ये हमारा होता है इंटरनल फ्यूज, मतलब हमारे घर का फ्यूज होता है ये। इसका मान 50 एम्पियर नहीं होता, इसका मान कम होता है, लगभग ये समझ लो 20 एम्पियर लगभग, ठीक है। अब ये दो तार पे एक विद्युन्मय तार है और एक उदासीन तार है। अब ये तार पहुंच जाएंगे कहाँ पे, हमारे अलग अलग जो बिजली के उपकरण है उनके पास। जैसे बल्ब को जलाना है तो बल्ब में दो ही तो होते हैं, दो हिस्से जहाँ तार जुड़ते हैं, तो ये बल्ब का एक विद्युन्मय तार ये गया बल्ब के पास, ये बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, और इस बल्ब में दो तार लग सकते हैं, एक तो ये उदासीन तार इधर से आ गया, एक उदासीन सॉरी ये विद्युत तार इधर से आ गया, लेकिन बीच में हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। और ये याद रखना, देखो ये स्विच हमने किस में लगाया, स्विच हमने लगाया विद्युत तार में ही लगाया। तो इस साइड से इसमें करंट पहुंच जाएगा बल्ब में, बल्ब जल जाएगा, लेकिन बीच में क्या लगा दिया स्विच, ताकि ऑन भी कर सके ऑफ भी कर सके। उसके बाद आके ये है सॉकेट, कौन सी सॉकेट, जिसमें हम कोई भी अपना उपकरण यूज करते हैं, जैसे हमने टीवी चलाना है तो वो तीन, जिसमें तीन छेद होते हैं ना, वो वाले सॉकेट है ये, उसमें लगा देते हैं और वो चलना शुरू कर देता है। अब इस तीन में से दो में, एक में तो जुड़ता है ये नीचे वाले में उदासीन तार, और ऊपर वाले में जुड़ता है विद्युन्मय तार, एक तीन छेद होते हैं, एक बड़ा सा छेद ऊपर होता है, इसका क्या काम होता है, देखो इसमें भी स्विच जोड़ दिया क्योंकि ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक। उसके बाद ये फैन का काम है, फैन में भी ऐसे स्विच द्वारा करंट उसमें पहुंचा दिया, ये सॉकेट है। अब इस सॉकेट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, देखो ये सॉकेट है, सॉकेट कैसे होते हैं, दो नीचे दो छेद होते हैं, एक बड़ा छेद ऊपर होता है, इस प्रकार होता है। तो एक विद्युत तार आता है इसमें और एक होता है अभी उदासीन तार करंट देने के लिए। ये जो होता है बड़ा छेद, ये किस लिए होता है, ये जुड़ा होता है इसके द्वारा, ये एक भूसंपर्क तार होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, किस क्या बोलता है न्यूट्रल सॉरी अर्थ वायर, ये होता है अर्थ वायर। तो इसके साथ एक ग्रीन कलर की तार जुड़ी रहती है इसके साथ, उसको बोलते हैं अर्थ वायर। देखो ये जुड़ी हुई है, ये दिखा रखा है डॉटेड, ये डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। ये तार बाहर जाकर किसी मेटल प्लेट से, किसी धातु की प्लेट को धरती में गाड़ दिया जाएगा और उससे ये जुड़ी होती है। इसका क्या काम है, वैसे तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है, जैसे ये वाला पार्ट है,
तो जब हम कोई हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो यूज करते हैं, तो इसका काम अभी जब हम कोई हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं ना, तो उस समय मान लो जो हमने यूज की भी इलेक्ट्रिक प्रेस का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रेस की जो बॉडी होती है मेटल बॉडी, या फिर ओवन समझ लो, इलेक्ट्रिक ओवन का प्रयोग कर रहे हैं, ये ओवन है भी, इसमें जो बिजली का तार आया, ये बिजली के तार आए दो, ये इसके साथ इसको रन कर रहे हैं, बाई चांस अगर ज्यादा करंट से इसके ऊपर की कवरिंग ये निकल जाए तो ये इसकी मेटल बॉडी को टच करेगा, और जैसे इसको हाथ लगाएंगे तो हमें क्या लगेगा, बिजली का झटका लगेगा। ठीक, इसको इससे बचाने के लिए ये दो तार तो थे, एक विद्युतमय तार और एक उदासीन तार, हम एक तीसरा तार जोड़ देते हैं इसके साथ, और ये इसकी वायर है, ये समझ लो इसकी वायर में ये तीन लगा दिया हमने, एक विद्युतमय तार, उदासीन तार, और ये तीसरा जो हरे रंग का है जिसको बोलते हैं अर्थ वायर, इसको हम इसके साथ जोड़ते हैं, इसकी बॉडी के साथ, इसकी बॉडी के साथ, ये ओवन की बॉडी के साथ, क्योंकि मेटल की बनी हुई है, धातु की बनी हुई है, प्रेस में भी ऐसा ही होता है। तो अब क्या होगा, अब मान लो ये जो विद्युतमय तार है इसकी कवरिंग उतर जाए तो करंट इसकी बॉडी में फैल जाएगा, अब इसकी बॉडी से जाकर वो इससे होता हुआ ये क्या होता है, ये बहुत आसान रास्ता इसको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बहुत ऐसे तार का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध कम होगा, इसलिए ये आसान रास्ता देगा किसको भी विद्युत धारा को, ये जाएगा ऐसे, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये तीन डंडी सी होती है इसके प्लग में, एक तीन डंडी सी होती है इसमें डालने के लिए, एक आगे बड़ी होती है मोटी सी, और दो ऐसे नीचे लगी होती है वही, ठीक है, ठीक जब ताकि इसमें फिट हो सके, तो वो जो ये वाला तीसरा है ये इसके साथ जुड़ता है, इसके वाला ये तीन इसके साथ जुड़ता है, और ये आगे किसके साथ जुड़ा होता है, ये देखो ये इसके साथ यहाँ ऐसे जाके, और ये इस मेटल प्लेट से बाहर जुड़ा होता है, इसमें अगर ये काम हो जाए, अगर करंट इसमें आ जाए तो वो इसमें से होता हुआ इस छेद में पहुंचेगा, और ये जुड़ा है किसके साथ, इस अर्थ वायर के साथ, तो करंट कहाँ चले जाएगा, वो अर्थ में जाता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो करंट क्या करेगा, हम हाथ लगाएंगे तो करंट हमारी बॉडी से होता हुआ अर्थ में जाएगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, कई बार डेथ भी हो सकती है। तो जो ये दो वायर आते हैं हमारे घरों में, जो एक विद्युतमय तार होता है वो होता है लगभग आजकल जो यूज होते हैं वो लाल रंग का होता है, और जो होता है उदासीन तार वो होता है ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है, और जो ये अर्थ वायर होता है मतलब भूसंपर्क तार जो होता है, भूसंपर्क तार होता है हरे रंग का, ये बात याद रखना। अब जो हम घरों में विद्युत परिपथ बनाते हैं वो पार्श्व क्रम में होती है, पार्श्व क्रम में क्यों होती है, देखो मान लो इसमें गड़बड़ हो जाए इस पार्ट में, तो ऐसा नहीं कि इसमें गड़बड़ होने से बाकी दूसरे के जितने भी यंत्र हैं या उपकरण है वो काम करना बंद कर देंगे, नहीं, क्योंकि देखो इधर से करंट गया, ये इसमें भी गया और इसी से आगे भी चला गया, तो अगर इसमें गड़बड़ है तो आगे वाले ऐसे ही रन करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, पार्श्व क्रम में जोड़ने का ये फायदा है। दूसरा, पार्श्व क्रम में सभी का देखो स्विच सभी का अलग अलग है, ऑन और ऑफ का सिस्टम अलग अलग है, जिसको चाहे ऑन कर सकते हैं जिसको चाहे ऑफ कर सकते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ने से सभी के पास 220 वोल्ट भी भूअंतर पहुंचता है, देखो इधर सभी जुड़े हैं ना पार्श्व क्रम में, तो सभी के पास 220 वोल्ट भी भूअंतर पहुंचता है, ठीक है। हमारे जो घरों में होता है उसमें दो तरह के सर्किट है, ये समझ लो, एक होता है पावर सर्किट और एक होता है लाइटिंग सर्किट। लाइटिंग सर्किट का मतलब होता है एक ऐसी सर्किट जिसमें करंट कम जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ लाइट के लिए उपकरण जुड़े हुए, जैसे बल्ब में या ट्यूब में जो लाइट देता है ना, जो तार, एक तार जो लाइट देगा, सॉरी विद्युत धारा देगा किसमें, बल्ब में या ट्यूब में, तो उसमें करंट कम होता है, वो लाइटिंग सर्किट होता है। और एक तार ऐसा होता है जो लाइट देगा मतलब जो विद्युत धारा देगा किसको, हैवी जो अप्लायंस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल गीजर होता है, या हमने अगर अपनी वॉशिंग मशीन चलानी है या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस का यूज करना है, तो उसके लिए जो विद्युत धारा देता है वो सर्किट होती है पावर सर्किट, तो उसमें करंट होता है 15 एम्पियर का, लगभग 15 एम्पियर का होता है उनमें। कहने का मतलब क्या है, जब बाहर से मेन सप्लाई दी जाती है ना, तो एक बड़ा सा मोटा सा प्लग लगा जाएगा, बड़ा सा, और छोटे छोटे लगे होते हैं, जो बड़ा सा लगाया जाता है उसमें
करंट जो आता है विद्युत धारा वो 15 एम्पियर होती है और जो छोटे होते हैं उनमें होती है भाई 5 एम्पियर। ठीक है, बात समझ आएगी, ये रीजन है। अब जो विद्युत फ्यूज होता है, फ्यूज उस वो काम बहुत काम की युक्ति है भाई। फ्यूज काम किस पे करता है, वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में काम करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि फ्यूज जो होगा, फ्यूज का प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, क्योंकि फ्यूज जो है वो एक पतले तार से बना होता है और पतले तार से बनता है तो पतला तार है तो पतले तार का प्रतिरोध तो बहुत अधिक होगा, तो इसलिए उसमें प्रतिरोध के कारण जब ज्यादा करंट आता है तो वह पिघल कर टूट जाता है और आगे जितने भी सर्किट होते हैं हमारे घर के, जितने भी उपकरण होते हैं वो सब बच जाते हैं। कुछ उपकरण भी ऐसे होते हैं जिनमें अपना खुद का फ्यूज लगा होता है, जैसे टीवी में या एलईडी में देखे उनमें अपना खुद का भी फ्यूज लगा होता है उनको बचाने के लिए। ठीक है भाई, आजकल फ्यूज की बजाय क्या यूज किया जाता है, आजकल यूज की जाती है एमसीबी। क्या एमसीबी, इसका एक फुल फॉर्म होती है भाई मिनिएचर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है, ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम नहीं करती, बात याद रखना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करेगी एमसीबी। इसमें क्या होता है, ये चिपकी रहती है, तो मतलब इसका कनेक्शन रहता है, इसमें ऐसा सिस्टम होता है एमसीबी में कि उसमें कनेक्शन रहेगा। जब करंट नॉर्मल चलता रहेगा, जितना उसको चाहिए उतना चलता रहेगा, वो चिपकी रहेगी। लेकिन जब करंट ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें विद्युत चुंबक बन जाएगी और इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी कि वो उसको इस जगह से खींच लेगी और कनेक्शन अलग हो जाएगा और अंदर वाले सारे के सारे उपकरण बच जाते हैं। ये कब हो सकता है, ये फ्यूज कब टूटता है या एमसीबी डाउन कब होती है, ये कब होती है, जब लघु पतन हो जाए या फिर बहुत ज्यादा लोड हो जाए। जैसे लोड का मतलब है जैसे एक ही सॉकेट में हमने बहुत सारे यंत्र चला दिए तो वो ज्यादा करंट खींच लेंगे जिससे लोड बढ़ जाएगा और एमसीबी डाउन हो जाएगी या फिर फ्यूज टूट जाएगा पिघल के। या लघु पतन, लघु पतन का मतलब क्या होता है, जैसे ये भी ध्रुवमय तार है और ये उदासीन तार है, अगर ये दोनों आपस में मिल जाए किसी कारणवश, इनकी कवरिंग आपस में पिघल जाए और ये मिल जाए तो क्या होगा, इस करंट को जाने के लिए दो रास्ते मिल जाएंगे, मतलब प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा जिससे विद्युत धारा अचानक बहुत बढ़ जाएगी। और अचानक बहुत बढ़ने से जब इस फ्यूज में विद्युत धारा पहुंचेगी तो फ्यूज पिघल के टूट जाता है और हमारे उपकरण बच जाते हैं। तो फ्यूज बहुत काम की चीज है। ठीक है भाई, तो लघु पतन जब होता है, लघु पतन का मतलब मैंने बता दिया है कि अगर विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, मतलब उनके ऊपर की कवरिंग पिघल जाए तो एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, जिससे जिसको लघु पतन बोला जाता है, इससे विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। और दूसरा होता हैवी लोड, लोड का मतलब है अगर हम एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरणों को चला दे, यूज कर ले, तो इससे क्या होगा, वो बहुत ज्यादा विद्युत धारा खर्च करते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। तो जिससे अगर वो अधिक विद्युत धारा को अपनी तरफ खींच लेंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ने से, क्योंकि एम्पियर जो ये फ्यूज होते हैं ना इनका मान होता है अलग अलग, जैसे एक एम्पियर का फ्यूज, दो एम्पियर का फ्यूज, तीन एम्पियर का फ्यूज है, 15 एम्पियर का फ्यूज है, तो मतलब मान लो कोई 5 एम्पियर का फ्यूज है तो 5 एम्पियर के फ्यूज में अगर 5 एम्पियर तक विद्युत धारा आएगी तो वो नहीं पिघलेगा, लेकिन 5 एम्पियर से अगर अधिक विद्युत धारा उसमें आ जाएगी तो फ्यूज पिघल कर टूट जाएगा। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि आपके घर के विद्युत सर्किट में एक 5 एम्पियर का करंट फ्यूज लगा हुआ है, उसमें विद्युत धारा आ जाए 10 एम्पियर की तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई वो पिघल कर टूट जाएगा, बात याद रखना। अगर मान लो किसी का मान है, किसी फ्यूज का मान है 15 एम्पियर और उसमें विद्युत धारा आ जाए 10 एम्पियर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब 15 एम्पियर तक वो विद्युत धारा को अपने से गुजरने दे जाएगा आराम से, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 15 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा हो जाएगी तो ये जो फ्यूज होगा वो पिघल कर टूट जाएगा। ठीक है भाई, क्यों टूट जाता है, क्योंकि एक तो वो मिश्र धातु का बना होता है, ऐसी मिश्र धातु का जिसका गलनांक कम होता है जो जल्दी पिघल कर टूट जाए। दूसरा भी उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, क्योंकि एक पतले तार से हम उसको बनाते हैं। तो ये होगा विद्युत फ्यूज होगा भाई, एमसीबी मैंने बता दिया है।
ठीक है, और पार्श्व क्रम में जुड़ी होती है। पार्श्व क्रम में जुड़ने के क्या लाभ है, ये भी पेपर में आता प्रश्न कि घरों में जो विद्युत परिपथ संयोजित किए जाती है तो पार्श्व क्रम में क्यों संयोजित की जाती है, उसका कारण क्या है, इसके लाभ मैंने अभी आप लोगों को बताया, पहले भी बता चुका हूँ पहली वीडियो में भी। तो भाई ये था हमारा क्या, घरेलू विद्युत परिपथ और दो कुंडलियों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये मैंने क्यों बताया, ये चीज बताई कि मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 13 लेसन नंबर 13 विद्युत का चुंबकीय प्रभाव ये हो गया खत्म। अब एक वीडियो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, बाकी जो कंसेप्ट इसमें मेन कंसेप्ट वो लगभग खत्म हो चुके हैं, ठीक है भाई। तो वीडियोस को देखना, समझ ना आए तो दोबारा देखना, फिर भी नहीं समझ में आती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें देखो हम कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि अच्छे से अच्छे समझाने की या अच्छा से अच्छा कंटेंट ढूंढने की, फिर भी कुछ चीजें हो सकता है कि मिसप्लेस हो गई है इसमें या रह गई है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एडवाइस कर सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो कि भाई ये चीज़ इसमें नहीं है आप इसमें ये डालो, तो वो इसमें हम डाल देंगे। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, बस सारी ज़िंदगी सीखना ही है, और मैं भी सीखने की अवस्था में हूँ और सीख रहा हूँ, सारी ज़िंदगी सीखना ही है, बस परफेक्ट कोई नहीं होगा। तो ठीक है भाई, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13, ये हो गया है कम्प्लीट। प्रैक्टिस करोगे जितनी तो उतना अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को सोल्व करो, बातें समझ में आ जाती है। ये साइंस इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम मान लेते हैं, उतनी मुश्किल नहीं है, आसान है साइंस, अगर हम क्लियर समझने की कोशिश करें तो आसान है, अगर रट्टा ही मारोगे फिर पल्ले नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।